दुर्लभ वही बच्चों की तरह था जैसे सब बच्चे होते हैं, पढ़ना लिखना, लेकिन उसके अंदर थोड़ा फ्रीलांस था, वो थोड़ा सा समझदार ज्यादा था या उसको समझाया ज्यादा या मैंने टाइम ज्यादा दिया था, उसका हर एक चीज का एक शेड्यूल बना हुआ था, वो काफी बचपन से उसका शेड्यूल बना लिया था और उस शेड्यूल को फॉलो करता था। समय पर उठना, 4 बजे उठ के दौड़ना, खेलना, 6 बजे फुटबॉल खेलने जाना, स्कूल जाना है, सभी चीजें, वो किसी चीज से किसी चीज को रोकता नहीं था, ये चीजें उसके अंदर थी। और पढ़ना भी बराबर, सब चीजें अच्छी कर रहा था। शाम को बास्केटबॉल की भी ट्रेनिंग लेने जाता था नेहरू स्टेडियम में, हर एक काम उसका परफेक्ट चल रहा था। अचानक सिंहस्थ आया और वो सिंहस्थ देखने के लिए उज्जैन आया। जब वो उज्जैन आया इंदौर से, उसके पहले वो उज्जैन में रहता था, लेकिन फिर एक आध साल वो मेरे पास इंदौर आ गया था और वो इंदौर सेटल हो चुका था। अब उज्जैन आया तो पुराने दोस्त यारों के साथ भी सिंहस्थ घूमना और ये सब। फिर हम जब उज्जैन आए तो हमने उनसे डिस्कस किया तो कि ये क्या देखे इतनी रात तक घूमना, तो उन्हें किसी वजह से ये लगा कि यार सिंहस्थ घूमना चाहिए। तो हमने उन्हें समझाया भी कि सिंहस्थ आपके लिए नहीं है, सिंहस्थ देखने के लिए, सिंहस्थ बाबाजियों के लिए, या जो फ्री के भंडारे खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। आप समय पे जाएं, समय पे आएं, सब चीजों को निरीक्षण करें कि क्यों लगा है सिंहस्थ और सिंहस्थ होता किस लिए, उन चीजों को समझें। लेकिन दोस्त यार हैं, चलो चलो, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है कि सभी के घरों में बच्चे हैं जिनके यहाँ छोटे, वो सब अपने दोस्तों से अफेक्टेड होते हैं। अब दो उसमें फालतू दोस्त हैं तो वो बाकी के 5 दोस्तों के दिमाग को अपसेट करते हैं, क्योंकि उन्हें तो आवारा है, उन्हें तो टाइम पास करना है, तो उन्हें कोई चीज है नहीं, तो उनको देख के वो बाकी के 5 बच्चे सिर्फ इसलिए उनके साथ जा रहे हैं कि वो उनको आके बताते हैं कि हमें बहुत मजा आया। तो वो 5 बच्चों का, 2 लोग 5 बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। वही सब चीजें मेरे बेटे के साथ रही, उसे मैंने कभी ये सब चीजें चलाने नहीं दी थी। अब वो जब उज्जैन आया, सिंहस्थ में आ रही है, और फिर वो यही रुक गया, क्योंकि उसको फिर आके वो सब चीजों को फिर से रिस्टार्ट करने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, जो भी कुछ, और दोस्ती यारी भी नहीं मिलती वहां पे। इसके बाद ये सब चीजें, दोस्ती यारी उसकी बढ़ती गई और बढ़ती गई, चूंकि वो हर एक चीज का धुन का भी पक्का था, क्योंकि छोटी उम्र में इतना रनिंग कर सकता था, खेलने जा सकता था, हर एक चीज कर सकता था। तो इन दोस्तों के साथ उसने फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के भी इस्तेमाल उतने लेवल पे करे जितने लेवल पे वो खेलता था, एनर्जेटिक काफी था। अब इन चीजों में फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी, जो कि एक जनरल है कि 15 से 20-21 साल के बच्चे डालते हैं, हर बच्चा देखता है, उसे पता ही नहीं होता है नियम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूलों में कोई कानून तो पढ़ाया नहीं जाता है, संविधान पढ़ाया नहीं जाता है, अकबर बिरबल पढ़ाया जाता है। बच्चों को पता कैसे लगेगा कि संविधान में क्या लिखा है और हमारे अधिकार क्या है और हमें क्या चीजें हम डाल सकते हैं और क्या चीजें हम नहीं डाल सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा गलती से, जिसे जानकारी नहीं है, वो डाल देता है एक बार दो बार, तो पुलिस का एक कर्तव्य होता है कि उसको बुलाए, उसको बिठाए, उसको समझाए, अगर वो एक बार में ना समझे तो दोबारा से उसको बुलाए और उसकी काउंसलिंग कराए, 1, 2, 3, 10 जितनी काउंसलिंग कराई जा सके उतनी कराए, जब तक कि वो उस बच्चे का भविष्य सिक्योर नहीं हो जाए। अन्यथा जैसे दुर्लभ के साथ हुआ, फेसबुक पे पोस्ट डाली आपने, कोई चीज को फेसबुक की पोस्ट को माध्यम बना के अखबारबाजी कर दी, मर्डर केस बहुत होते हैं, एक मर्डर और हुआ था, लेकिन फेसबुक की वजह से वो जो चीज है वो आने वाले बच्चों के दिमाग में ये बैठ गई कि दुर्लभ हीरो हो गया, और वो हीरो बनने की वजह से आज कई घरों के बच्चों को फेसबुक का इतना ज्यादा चस्का हो गया और इतना ज्यादा वो अपराध की तरफ आकर्षित हो गए हैं कि कई घरों के दीपक उसकी वजह से बुझने को तैयार हैं, बर्बाद हो रहे हैं या बुझ रहे हैं। मसला यहाँ पे ये है कि अगर प्रशासन, कानून, जो चीजें हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक जिस तरफ ज्यादा लोग भग रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए। महाकाल में भीड़ होती है तो उसको रोकने के लिए बैरिकेड लगाए जाते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों के लिए हर संडे कोई क्लास या कोई काउंसलिंग पैदा की जाए कि बच्चे मोबाइल से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समझाने वाला ही नहीं, जो चुटकुले फोटो यही चल रहा है। तो क्यों बच्चों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को जो देखते हैं बड़े बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे बच्चों को भेज देते हैं, सब ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो ये चीजों को बच्चों को एक मैसेज जाना चाहिए कि दोस्त कुछ नहीं होता, दोस्त आपको तब मिलता है जब माता पिता आपको बड़ा कर देते हैं, आपको इस लायक कर देते हैं, तब आपको कोई दोस्त मिलता है। तो दोस्त वैल्यूएबल कैसे हो गया, दोस्त सच्चा कैसे हो गया। मैं सब दोस्तों को नहीं बोलता कि सबके सब दोस्त गलत हैं, दोस्त अच्छे भी होते हैं,
जो आपको सही सलाह दे और कैसी सलाह कि जो बात उस दोस्त ने आपको बोली है वो बात आपको माता पिता से भाई बहन से या परिवार के सामने बोलने में शर्म नहीं आए डर नहीं लगे वो बात दोस्त वो दोस्त सही होते हैं। जो दोस्त ऐसी बात करता है कि जिसको आपको छुपाना पड़े वो दोस्त कभी सही नहीं होता। इस मामले में आपको क्या लगता है कि दुर्लभ की कहीं ना कहीं गलत थे? नहीं, दोस्त तो गलत भी नहीं थे, मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कोई पैदाइशी गलत नहीं होता है, लेकिन ये एक्चुअल में जब घूमने लगे और सब फालतू घूमने लगे तो फुर्सती आदमी को कोई भी आदमी दिमागी लोग यूज कर लेते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसे दिमागी लोग मिल गए कि जो उनका इस्तेमाल करना जानते हो तो उन्हें उस रास्ते पे वो बताते रहे कि ये ऐसा वो वैसा, तो वो उस वजह से वो उस रास्ते पे चले गए। लेकिन ये जो दानी गेट का जो झगड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ था, वो सब एक कोइंसिडेंस था। कहीं से 10-15 लोग आ रहे थे, कहीं 10-15 लोग खड़े थे, आपस में विवाद हुआ, मारापीटी हुई, इनके साथ के कुछ लोग घायल हुए, तो फिर वो लोगों से झगड़ा पड़ा और वो मर्डर इनने उसी टाइम पे हाथ के हाथ मर्डर हो गया। मर्डर होना एक आकस्मिक घटना थी, उसके बाद फिर वो झगड़े ने अलग रूप लिया। लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से दुर्लभ को प्रचार प्रसार दिया तो लोगों के लिए वो एक आइकॉन बन गया, जो ना समझ बच्चे हैं। बड़े लोगों को तो पता है, कई लोगों की मेरे पास फोन आते हैं कि बिलवन आपका लड़का है, आप समझा सकते हो। मैंने काफी कोशिश करी और मैं उसको काफी हद तक समझा भी पाने में सफल हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं असफल था भाई, उन लोगों का प्रभाव जब तक ज्यादा था तब तक मेरा प्रभाव उसके सामने शून्य था। लेकिन जब मैंने उसे सब चीजें एक्चुअल समझाई और दिखाई कि देखो ये सच्चाई है और ये है जीवन, तब उन्हें समझ में भी आने लगा था। लेकिन अब समझते समझते कोई एक दिन में ये लाइट का स्विच तो नहीं कि मैंने उठाया बंद कर दिया और लाइट बंद हो गई। जीवन है, जीवन में कोई चीजें हैं, मेरे समझाने के बाद भी दोस्तों के फोन आना बंद नहीं हो जाते, ये सब चीजें धीरे धीरे हो रही थी, कोशिश चल रही थी मेरी और वो काफी समझ रहा था। लेकिन मैंने उसे कभी लड़ाई झगड़े करने के लिए मना नहीं करा कि अब जो तू तो कर लिया है तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उनको सुधारा कैसे जाए, उनको पॉजिटिव कैसे किया जाए, मेरा मैटर सिर्फ इतना था कि जिंदगी में बीता हुआ देख के जीवन नहीं जिया जा सकता। यदि आपसे कोई गलतियां बड़ी से बड़ी भी हो गई और अगर आप उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो जिस टाइम आपको लग गया कि मेरी गलती हो गई उसी वही क्षण होता है कि आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। आप नए बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? नए बच्चों को एक ही सीख देना चाहता हूँ, एक ही सीख देना चाहता हूँ कि माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। और दोस्त आपका वही अच्छा है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बात आपका दोस्त बोले वो सबके बीच में अगर आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा कह रहा है तो वो दोस्त सही है, और अदरवाइज अगर वो बात आप बता नहीं सकते, छुपा सकते हैं, तो वो दोस्त आपका सही नहीं होता। दोस्त होते हैं, मैं ये नहीं कहता, मेरे आज जितने दोस्त हैं शायद ही मुझे लगता है किसी के इतने दोस्त होंगे। आज मेरे हर शहर में दोस्त हैं और भाइयों से ज्यादा दोस्त हैं, आधी रात को मेरे लिए सब कुछ करते हैं। इस उज्जैन शहर में मेरे दोस्तों की कोई कमी नहीं है, हर जगह मेरे दोस्त हैं। लेकिन वो जमाना था और उस जमाने की दोस्तें होते थे। आजकल तो लगभग लोग किसी चीज को कोई बड़े किसी से कुछ मिलने की उम्मीद में दोस्ती करते हैं। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो एक कमजोर बच्चा इसलिए आपसे दोस्ती कर रहा है कि आपकी कॉपी ले लेगा। यदि आप पैसे वाले हैं तो वो इसलिए आपसे दोस्ती कर रहा है कि आप खर्चा कर दोगे। आपके पास गाड़ी घोड़े तो आजकल बच्चों को गाड़ियों पर घूमने का बहुत शौक है तो वो आपकी गाड़ी पे घूमने के लिए दोस्त। तो ये तो रीजन से दोस्ती हुई, ये तो मतलब की दोस्ती हुई, तो ये दोस्त कैसे अच्छे हो सकते हैं? उस दिन की घटना को आप क्या मानते हैं, वो कोई इंसिडेंट था या पहले से कोई सोची समझी साजिश थी? मेरे हिसाब से तो वो अचानक हुआ, एक विवाद था और उसमें वो सब चीजें हो गई। अब बाद में जो भी कुछ ये बाजार की हवाएं चल रही ये सब गलत है। अचानक वो लोग वहां पहुंचे थे जो भी कुछ करने, सिगरेट लेने, चाय पीने, और अचानक ही वहां ये विवाद हुआ। और वो चूंकि उनका अपना एरिया था, अपना घर था, जितने माँ बाप हैं जिन लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है, अगर उनके बच्चे कहीं किसी बात को समझने को मानने को उनसे तैयार नहीं है तो मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस करने को समय देने को तैयार हूं और मैं उन्हें उनके भविष्य के बारे में पूरा एक्चुअलिटी बताने को तैयार हूं। और ये मेरा दावा है कि मैं उनके बच्चों को वापस सही राह पे ला सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समाज में अगर एक मैसेज जाता है कि कुछ लोग सुधर सकते हैं और हम उनको सुधार लें तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जीवन।
धन्यवाद। और बाकी लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग भी अपने आसपास जितना कोशिश करें कि लोग के बच्चों को आप भी संभाल पाए, कोई गलत देखते हैं तो उनको रोकना और टोकना चालू करें। ये छोड़ें कि वो हमें क्या करना है, जब तक आप हमें क्या करना में जिएंगे, चाहे वो गंदगी का मैटर हो चाहे वो किसी भी चीज का मैटर हो, किसी की लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए। 7 लोगों को बचा के अपनी जान देना मुनासिब समझा। लड़का वफादार था, अच्छा था, दोस्ती निभाने वाला था, और सिर्फ वो दोस्ती निभाने के चक्कर में ही मारा गया, नहीं तो वो भी भाग सकता।